महाराज आप चिंता ना करें, आप केवल इतना करें कि उन्हें अनास सागर झील से पानी ना मिले, अर्थात उनके लिए झील बंद कर दीजिए। शाबाश जोगी जयपाल, हम तुम्हारी चतुराई की प्रशंसा करते हैं, तुम्हारा ये सुझाव हमें पसंद आया। हम आज्ञा देते हैं कि उन पर अनास सागर का पानी बंद कर दिया जाए। ये पहरा क्यों लगा रखा है? मुझे एक तासा पानी लेने दो। आप यहाँ से जाओ, आपको पानी नहीं मिलेगा। मुझे पानी लेने दो, खाजा साहब ने मंगाया है। हमारे महाराज की इजाजत के बिना आपको यहाँ से एक बूंद भी पानी नहीं मिलेगा। मेरे पानी लेने से आपके राजा को क्या परेशानी है? राजा का हुक्म है, पानी नहीं मिलेगा। हमारे राजा का हुक्म है, पानी नहीं मिलेगा। जाओ यहाँ से। ऐ मेरे अल्लाह, इन्हें हिदायत दे। सिपाहियों के मना करने पर मुरीद खाली कासा लेकर वापस लौट आता है। तालाब के पास जाओ और पानी को हुक्म दो, ऐ पानी तुझे ख्वाजा साहब ने बुलाया है। शादी देव जाओ, लोटे में भरा हुआ पानी अनासागर में डालो। बहुत बेहतर पीरो मुर्शिद। जाकर शादी देव गिराए सागर में, गिरते ही पानी।
रवायत के मुताबिक कुछ ही देर बाद जोगी जयपाल इस तरह नीचे आता हुआ नजर आया कि हजरत की जूती बराबर उसके सर पर बरस रही थी। नीचे उतरते ही वो हजरत के कदमों में गिर पड़ा।